हेलो बच्चों, अभी मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लास्ट लेक्चर में हमने पोजीशन टाइम ग्राफ किया हुआ था, अभी हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे। जिन्होंने पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं किया हुआ है, पहले प्रीवियस वाला लेक्चर आप लोग देख लें, फिर उसके बाद हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखेंगे। चीजें समझ में आएंगे किस तरीके से एक के बाद एक चीजें हमें सीखनी है, सो दैट हम ग्राफिकल मेथड से इजीली सॉल्व करना सीख सकते हैं। हम वेक्टर जो ग्राफिकल मेथड से हमें इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड आउट करनी है उनको हम कर सकते हैं। तो हम पहले सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में लिख लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आप एक एक्सिस में वेलोसिटी ले रहे हैं और एक एक्सिस में टाइम ले रहे हैं, तो जो इनके बीच में ग्राफ बनेगा उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। इधर अगर हम लोग टाइम बना देते हैं, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हमें दो केसेस डिस्कस करने हैं। पहला वाला केस मैं डिस्कस करता हूं, अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उसके लिए किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, तो ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कोई आपके पास पार्टिकल है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव करता जाएगा। सपोज उसकी वेलोसिटी 10 है, तो वेलोसिटी अगर उसकी 10 ही रहती है तो हम बोल रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन नहीं कर रहा। सेकंड वाले में पढ़ लेंगे वो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब अभी मान लीजिए 10 है, एक सेकंड के बाद 12, फिर अगले सेकंड में 14, फिर अगले सेकंड में 16 हो जाती है, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है। और यहां पे मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। मान लीजिए उसकी वेलोसिटी यहाँ पे वी थी, तो वो वी ही रहेगी, आपका टाइम बढ़ते जाएगा। अभी आप 10 की स्पीड से चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मान लीजिए 5 मिनट बाद भी आपकी स्पीड 10 ही है, तो टाइम बढ़ने के साथ साथ आपकी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है। मोशन तो कर रहे हैं, आपकी पोजीशन में चेंज हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली हो रहा है। तो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर आपके पास मान लीजिए ये आपके पास वेलोसिटी यहाँ पे भी लिखी हुई है, मतलब दिस वैल्यूज भी, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते तो आपकी वेलोसिटी वी ही रहनी चाहिए। तो फिर अगर यहां पे आपके पास ओरिजिन पे वी है, 2 मिनट के बाद आप देखते हैं मान लीजिए तब भी वी रहेगी, 5 मिनट के बाद देखेंगे तब भी वी रहेगी, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो हम बोल देते हैं कि हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि फॉर अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जैसे कि आपको दिया इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस, जो कि टाइम एक्सिस के आपके पैरेलल होगी। तो आप ये लिख सकते हैं किसके किस में लिख सकते हैं, फॉर यूनिफॉर्म मोशन में आप लिख सकते हैं क्या, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कुछ और चीजें देखनी है। मान लेते हैं कि यहां पे हमने इस तरीके से इसको डिफाइन किया है बच्चों, सपोज यहां पे टाइम आपका T1 है और यहां पे आपका टाइम T2 हो जाता है। तो अब T1 टाइम का मतलब आप इधर इस एक्सिस में T1 मेजर कर रहे हैं, यहां पे आपका ये T2 हो गया, तो ये जो बचेगा आपका T1 T2 माइनस T1, ये जो चीज निकल के आएगी दिस इज T2 माइनस T1, और ये वाली जो एक्सिस में आएगा ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, सपोज इसकी वैल्यू वी है। ठीक है, तो आपको मैं बोलता हूं कि अब यहां पे एरिया निकालिए, आप क्या निकालना है इसको, ये जो मैंने सेट पोर्शन दिखा दिया है इसका मैं एरिया निकाल देता हूं, इसको मैंने नेम दे दिया ए बी सी डी। तो एरिया अंडर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ए बी सी डी। देखते हैं हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया निकालने से क्या होता है उसके बारे में सोचेंगे। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप इसको मान लीजिए ये वाली साइड ले लीजिए, तो सी डी बोल दो इंटू आप बोल दो ए डी। ठीक है, सी डी इंटू ए डी आपने किया, सी डी क्या है बच्चों, टी टू माइनस टी वन, ये साइड आपकी कितनी आ रही है टी टू माइनस टी वन, और ए डी क्या है आपके पास वेलोसिटी। तो आपने यहां पे देखा वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम। अब एक बात बताइए, खुद से सोचो, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी इंटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट, क्या कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोलते हैं कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया निकालने जाते हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एग्जाम में आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिए रहे और आपसे पूछे कि भाई डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, तो आप क्या करेंगे, वहां पे एरिया निकालेंगे। जैसे आप सिंपल एक्स और वाई एक्सिस में आप लोग देखते हैं, अगर इधर एक्स एक्सिस है इधर वाई है,
ये स्ट्रक्चर, ये एक्स होता है, ये वाई होता, तो इसका एरिया कितना होता था, एक्स इंटू वाई। वैसे ही मैं तो इसका एरिया निकालने के लिए गया, तो मैंने देखा जो एरिया निकल के आ रहा है, एरिया निकल के, एरिया इज प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, एंड द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इज टाइम इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो क्वांटिटी निकल के आएगी, दिस क्वांटिटी इज डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट वी कंक्लूड दैट द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी इसी से निकलती है, अगर आपको स्ट्रक्चर इसी तरीके से दिया जाए, डिस्टेंस निकालने के लिए बोले, तो आप उससे डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। पहले हमने फर्स्ट पार्ट इसका देखा कि अगर वो यूनिफॉर्म मोशन करता है, यूनिफॉर्म मोशन में आप एरिया निकालते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट को दे देता है। जल्दी से इसको नोट करिए। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं कि अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, अगर बॉडी का यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, मान लीजिए ये आपके पास ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा अगर आप ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होने की बात कर रहे हैं, तो हर टाइम इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। लेकिन क्योंकि आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास जो इसका मोशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, ठीक है, आप इसको ओ बोल दीजिए ओरिजिन, ये आपका ए हो गया, ठीक है, यहां से आप शुरू करते हैं। अब मान लीजिए यहां पे दो पॉइंट डिफाइन कर देते हैं, यहां पे T1 और यहां पे आपने T2 डिफाइन कर दिया, क्योंकि ये वाली एक्सिस आपकी टाइम एक्सिस है, तो ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, और ये क्या रहेगा बच्चों, T2 माइनस T1, ठीक है, और आपने बोला अब वेलोसिटीज होंगी यहां पे इनके रिस्पेक्टिव पॉइंट पे, यहाँ पे वेलोसिटी सपोज v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो मींस क्या हो गया कि ये आपके पास v1 हो गया, ये जो चीज है आपकी पूरी की पूरी v2 है, ये v1 है, v2 है, तो ये कितना बचा, v2 माइनस v1, अगर ये v2 माइनस v1 है तो ये भी v2 माइनस v1 होगा, और ये t2 माइनस t1 है तो ये भी t2 माइनस t1 होगा, ठीक है, इसको b बोल दो, इसको c बोल दो, इसको d बोल देते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है v1, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए अभी आपकी स्पीड 10 थी, अगले सेकंड में 12 होगी, फिर अगले सेकंड में 14, फिर अगले सेकंड में 16, तो 2-2 से चेंज कर रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ था, स्ट्रेट लाइन निकल गया है आपके पास। अब आपने ये इसका स्ट्रक्चर बना दिया, अब इसके अंदर आपको अगर आप स्लोप निकालने के लिए जाते हैं, ठीक है, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, तो ट्राइंगल कौन सा, बी सी डी में अगर आप निकालते हैं टेन थीटा, वो क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने का आपका परपेंडिकुलर होता है, वो क्या आपका यहाँ पे सी डी, बेस क्या है आपका बच्चों, बी सी है, ठीक है, तो आपके पास वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन आ गया, तो v2 माइनस v1 वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो गया, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आपने एक चीज और देख लिया यहां पे कि जो आपका, जल्दी से इसको नोट करिए, पहले आपने क्या चीज सीख ली है यहां पे, आपने ये सीखा कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वो कर रहा है, उसमें स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप आपका एक्सेलरेशन देता है। तो अगर आपसे एग्जाम में, आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, अगर आपसे कोई बोले वेलोसिटी इधर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आप स्लोप निकालो एक्सेलरेशन, या फिर क्वेश्चन दे दे कि एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको स्लोप निकालना पड़ता है। और आपको जैसे अभी मुझे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करानी है आपको, वहाँ फर्स्ट इक्वेशन में एक्सेलरेशन आता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहीं से आप ध्यान से समझिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लूँ मैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर मैं एक्सेलरेशन निकालने जाता हूँ, तो चेंज इन वेलोसिटी शुरू में मान लो u है, बाद में v हो गई, तो u v माइनस u अपॉन टाइम, स्टार्टिंग में जीरो था, बाद में t हो गया, तो t माइनस जीरो t, तो v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू a, एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो v माइनस u इज इक्वल टू ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहीं से आपने ड्राइव कर दिया। तो आप कहने का मतलब, आप फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द फर्स्ट इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ,
तो आपको ध्यान लगाना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या निकालेंगे। तो आपने देखा था अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आप एरिया निकालते हैं, एरिया इन दो साइडों का मल्टीप्लीकेशन, वो डिस्प्लेसमेंट डी आर डिस्टेंस को देगा, ठीक है। वेलोसिटी में जनरली हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, बट डायरेक्शन मेंशन नहीं करेंगे तो डिस्टेंस भी उसको हम बोल सकते हैं। और लेकिन स्लोप निकालोगे तो स्लोप क्या दे रहा है आपका, एक्सेलरेशन दे रहा है। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान निकालना है। अब आप इसमें जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर एक और चीज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमें अगर डिस्टेंस का वर्ड निकालनी है, डिस्टेंस का वर्ड किस तरीके से निकालते हैं, डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड के लिए आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया जाएगा इस तरीके से। मान लीजिए आप यहां से यहां जाते हैं, ये ए है आपका, ये बी है, इधर आपका वेलोसिटी और इस एक्सिस में आपका टाइम आता है, ठीक है। यहां से यहां आपके पास इस तरीके से उन्होंने आपको डिफाइन कर लेना है। अब इसको क्या ले लेते हैं, ए से बी आप सपोज मोशन कर रहे हैं, आपने इस तरीके से इसको अलग अलग पार्ट में ड्रॉ कर दिया, बी सी और इसको डी बोल दिया, इसको ओरिजिन बोल दिया। तो आपसे पूछा जाएगा, जैसे अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर दे दिया कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जाता है, ठीक है, ए से बी उसका वो ऑब्जेक्ट मूव करता है कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, मान लीजिए उसकी यहाँ पे एक्सेलरेट तो करेगा वो, तभी यहां से गया। मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी उसकी वी नॉट थी, और इस पॉइंट पे जब वो यहां पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी वी हो जाती है, मतलब वेलोसिटी वी नॉट से चेंज होकर के आपकी कितनी जाती वी हो जाती है, और यहाँ पे टाइम आपका जीरो रहेगा और यहाँ पे टाइम आपका टी हो गया। मीन्स मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी, ठीक है, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम वी नॉट टू वी। अब मुझे क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है। तो बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर कोई तुमसे डिस्टेंस बोल रहा है तो तुम्हें पता है एरिया निकालना है, तो डिस्टेंस कवर्ड अगर आपसे पूछे डिस्टेंस कवर्ड तो आप क्या बोलने वाले हैं, डिस्टेंस कवर्ड में आप बोलेंगे एरिया अंडर एबी। इस एबी के नीचे, इस एबी के अंदर जितना भी एरिया होता है वो सबको लेना होता है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको ऐसे शेडेड रीजन बना देते हैं, ठीक है, ये शेडेड रीजन की बात कर रहे हैं। तो अब एरिया की बात करोगे तो इसके नीचे का पूरा एरिया लेना है, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं मैं, ट्राइंगल कौन सा ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, कुछ नहीं करना है आपने, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देना है और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देना है। अब देखिए ये डिस्टेंस आपकी वी नॉट है, ठीक है, ये टोटल आपके पास वी है। बच्चों अगर ये वी नॉट है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी वी नॉट होगा, ये टोटल v है तो ये टोटल भी आपका v होगा, तो ये कितना बचेगा v माइनस v नॉट, ठीक है। और ये टाइम, ये t है तो आपके पास ऑब्वियसली बात है ये भी आपका t होता है। तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो गया, प्लस इसके लिए आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो सपोज मैंने ओडी कर दिया, ओडी कर दिया इंटू ओए कर दिया, ठीक है, हाफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल एबीसी की बात है तो इसका बेस क्या है, देखो एसी हो गया, और इसके हाइट क्या होगी आपकी बीसी प्लस एओ इनटू ओडी इज इक्वल टू हाफ। अब देखिए एसी कितना है आपका, सॉरी एसी कितना है आपका टी, और आपके पास बीसी कितना है वी माइनस वी नॉट, ये वैल्यू उठा के रखनी है आप, सर क्या करना है, प्लस एओ, एओ कितना है आपका देखिए वी नॉट इंटू ओडी कितना है आपका टी है। तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपको दे देगा क्या, आपके पास ये सॉल्व करके दे देगा आपको कितने डिस्टेंस आपने कवर किए ए से बी जाने में। तो इस तरीके से कोई भी डेरिवेशन, कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको डिस्टेंस कवर्ड निकालनी है तो एरिया निकाल देना है, एक्सेलरेशन बोलेगा तो स्लोप निकाल देना। तो आप देखिए आपको अगर जैसे इक्वेशन की बात करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन से निकल जाएगी, और अगर आप बात करते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है तो डिस्प्लेसमेंट भी निकल सकता है यहां से। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं एरिया निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकल के आती है, और अगर हम बात करते हैं स्लोप की तो दैट गिव्स एक्सेलरेशन। थैंक यू।